हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल एग्जाम से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चार सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी, मैथ्स, जीके, जीएस और ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी। तो आज हम ग्राम समाज विकास एवं ग्रामीण जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल 20 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पहला, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1999 में। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1965 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 2000 में। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, इमारती लकड़ी की आपूर्ति, चारे की आपूर्ति, यानी कि ये सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1999 में। देखिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे और टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी कहाँ, किस राज्य में? तो ये हुई थी केरल में। ठीक है, केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम और केरल का जो हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है और कोकोनट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में केरल नंबर वन स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की योजना है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्राईसेम। ठीक है, ट्राईसेम इंपॉर्टेंट है, कल इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है गांवों का सर्वांगीण विकास। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो किया जा रहा है रोड और नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, यानी कि ये सभी कार्य इसमें हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी वर्ष 1952 में, 1952 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी कब, ये गई थी वर्ष 1999 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1999 में। देखिए, 1000 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, बेसिक से लेकर के इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मिनिमम 5 मिनट में आपके जो है 20 क्वेश्चन डेली तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहिया ग्राम आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, आवासहीन परिवार। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है भारतीय बीमा निगम। ठीक है, भारतीय बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो 23 दिसंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधित जानकारी देने के लिए संचालित प्रसार वाहन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान सेवा रथ। और जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और कल के वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। आप लोग इसका PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।